बोल हरि बोल हरि बोल हरि निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गौर ब्रह्मानंदे हरि ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांछाकल्पतरुर्भ्यः कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नम महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कंत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभायन सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवै प्रिया अय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमाद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग आज श्रवण करेंगे हमारे श्री महाराज जी नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के कुछ पावन चैत्र कहते वैष्णव रे गुणगान कर ले जीवरा। जब हम वैष्णव का गुणगान करते हैं उनका गुणगान सुनने पर जीव का क्या होता है? कहते जीव को ये भव संसार से जीव का उद्धार होता है। इसलिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु भी जब श्री गदाधर पंडित के पास में जाते थे महाप्रभु गदाधर पंडित महाप्रभु को बोलते थे बोले प्रभु आज आप क्या कथा सुनना चाहते हैं? तब श्री महाप्रभु कहते थे हमें पुनः पुनः भक्तों का चरित्र का हमें कथा सुना, क्योंकि जब भक्तों का कथा सुनते हैं वो लोग कैसे साधन भजन करते थे, उनका साधन भजन करने का तरीका क्या था, कितना हरिनाम करते थे, कैसे अपना जीवन में भक्ति को अपना जीवन में कैसे जाजन करते थे, जिसको सुनने पर हमारी अंदर में भी ऐसे ही भाव आता था हरिदास ठाकुर तिल्ला के हरिनाम करते थे, हम भी तो कम से कम 1,00,000 हरिनाम तो करें।
जब वो तिल्ला करी नाम करते। इसलिए वैष्णव का गुणगान, वैष्णव का चरित्र सुनने से हमारी भक्ति जगत में, हमारे भजन में उन्नत होता है। इसलिए आज हम श्री महाराज जी के कुछ गुण चरित्र को श्रवण करेंगे। जैसे भगवान की कथा, जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंत, जैसे भगवान भी अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है, उसी तरह भक्तों का कथा भी अनंत, उनकी कथाएं हैं। इसलिए भगवान कपिलदेव अपना माँ को कहते हैं, बोले माँ अगर तुम ये भवसागर से उधार होना चाहते हो, तुम बोले एक ही काम करो, कहते मेरे भक्तों का तुम संग करो, मेरे भक्तों का संग करो, क्योंकि जब तुम मेरे भक्तों का संग करोगे, कहते सतांग प्रसंगात मम वीरज संविदो भवन्ति हृतिकर्ण रसायन कथा ताजो सना आस अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। भक्तों का कथा श्रवण करने पर क्या होता है, कहते उनकी कथा श्रवण करने पर धीरे धीरे भगवान के चरण में श्रद्धा, फिर भगवान के चरण में रति, फिर धीरे 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 हमारे हृदय में भगवत प्रेम जागृत होता है। उसी समय माँ ने पूछा, बोला बेटा तुमने बताया तुम भक्तों का कथा सुनो, भक्तों का संग करो, लेकिन भक्तों का तो कुछ लक्षण भी तो होता होगा, उसे लक्षण बताओ। ऐसे नहीं अभक्त को भक्त मान करके तिलक कंठी माला देख करके हम भक्त मान लिया, कभी ये तो भक्त है, लेकिन कुछ तो उनके अंदर में गुण भी होनी चाहिए ना, हैं? इसलिए उनका कुछ गुण बताओ। तब भगवान स्वयं अपना भक्तों का क्या क्या गुण होता है उन्होंने ये गुण का विषय पर बताए। बोले तितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेहि नाम अजात शत्रव शांता साधु भी साधु भूषण। बोले माँ भक्तों का तो अनंत गुण है, लेकिन उससे मैं कुछ गुण में बताता हूँ। भक्तों का जो पहला गुण है तितिक्षव, तितिक्षव मतलब होता है सहन शक्ति। इसलिए बोले जो सहे सो रहे, और जो ना सहे वो ना सहे, कर जो सहन कर सकता है वही तो रह सकता है, और जो नहीं सहन कर सकता है वो ना सहे, उसका नाश हो जाता है। इसलिए श्री प्रभुपाद भी अंतिम समय में यही बता करके गए, सत लांछना सत गंजना सत अपमान सुन करके भी हरिभजन नहीं छोड़ना है। इसलिए हमारे श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अंदर में ये सारे गुण एक एक करके हमारे महाराज के अंदर में दिखाई पड़ता है। पहला गुण क्या बोले तितिक्षव, तितिक्षव मतलब होता है सहन करना। इसलिए हमने स्वयं अपना आँखों में, मैंने स्वयं देखा है गुरु जी के अंदर में कितने सहन शक्ति है उनके अंदर में है? पहले गुरुदेव हमारी गौड़ीय वेदांत समिति में रहते थे, उन्होंने गौड़ीय वेदांत समिति के लिए करीब 50 साल तक उन्होंने गौड़ीय वेदांत समिति में उन्होंने सेवा किया है, पूरा अक्लांत परिश्रम किया है। उन्होंने बहुत पैसा भी उन्होंने भिक्षा करके लाए, और उन्होंने मठ में श्री देवानंद गौड़ीय मठ में उन्होंने वहाँ स्कूल बनाए, नाट मंदिर बनाए, गेस्ट हाउस बनाए। गुरुदेव ने बहुत बहुत कुछ उन्होंने गुरुदेव ने किया है, लेकिन गुरुदेव करने के बावजूद भी काल का प्रकोप है, कुछ कारण से हैं, कुछ विषय को लेकर के थोड़ी सी अनबन हुई है, लेकिन अनबन होने पर भी गुरुदेव ने सब कुछ सहन करते हुए गुरुदेव ने वो सारे चीज को गुरुदेव ने परित्याग दिया, दे करके फिर गुरुदेव आए, फिर उन्होंने गौड़ीय वेदांत ट्रस्ट को बनाए, फिर बना करके उन्होंने पुनः जैसे गौड़ीय वेदांत समिति था, फिर उन्होंने गौड़ीय वेदांत ट्रस्ट को फिर दो बार जैसे को तैसे उन्होंने बना दिया, बल्कि उससे विशाल रूप गुरुदेव ने दिया है। इसलिए कभी कभी हमने देखा गुरुदेव ने हैं जिन लोगों के लिए जीवन दिया, जिनको घर से लाए हरि कथा सुना करके, जिनको गुरुदेव बच्चे जैसे पालन किया, उनको अंगुल पकड़ करके जैसे पिता माता किसी बच्चे को चलाते हैं, उनको ऐसे सिखाया पढ़ाया,
उनको हरि कथा गुरुदेव ने सिखाई, गुरुदेव बहुत कुछ किया, लेकिन करने का बावजूद भी काल की कराल गति में कभी कभी वो लभी गुरुदेव का कभी कभी प्रतिकूल आचरण किया है, लेकिन करने पर भी गुरुदेव कभी भी उनको प्रति प्रतिकूल आचरण कभी भी गुरुदेव नहीं किया है। गुरुदेव उनको अपना अभी भी लास्ट तक भी गुरुदेव भले ही जोग जोग चुकिया किया, लेकिन गुरुदेव पूरा के पूरा गुरुदेव उनको जिंदगी भर बच्चे जैसे उन्होंने पालन किया है गुरुदेव ने। इसलिए कहते गुरुदेव के अंदर में जो तितिक्षव मतलब होता है सहन करना जो शक्ति है, हैं हमने देखा है गुरु जी के अंदर में कैसे सहन शक्ति है। एक दुर्वासा मंदिर गुरुदेव ने विशाल रूप में बनाया, वो मंदिर धीरे धीरे जीर्ण से नष्ट हो गया था, लेकिन गुरुदेव ने बड़ा सुंदर मंदिर बनाया है, ठाकुर जी को स्थापन किया, विशाल मंदिर किया, लेकिन करने के बाद जिन गांव के लोगों ने वो जीर्ण शीर्ण मंदिर को दे दिया था, गुरुदेव ने विशाल रूप धारण करवाया मंदिर को, लेकिन वो गांव वाले जब देखा अरे इतना बड़ा गौड़ीय मठ बना दिया, इतने सुंदर, अभी उनको लोभ हो गया, लोभ हो गया, फिर उन लोगों ने क्या किया वो मंदिर को छीनने के लिए कोशिश किया है, इतने सुंदर बना दिया महाराज ने, हम इसको अपना छीन लेंगे, उन लोगों भी बड़े उत्पात किया है, बड़े लड़ाई झगड़ा उन लोगों ने किया है, लेकिन गुरुदेव ने मैंने देखा कि जितने जीवन में उनकी बाधा विपत्ति जीवन में जो जो कुछ आया है गुरुदेव ने जीवन में सब कुछ को सहन किया है, सब कुछ सहन करते हुए इनके अंदर में जो तितिक्षा जो सहन शक्ति है बड़े सहन शक्ति। इसलिए गुरुदेव का जो स्वभाव है कैसे है मतलब वज्रा दव्य कठोरानी मृदुनी कुसुमना चाहिए, जब कभी कभी वज्रा दव्य कठोरानी कभी कभी वे वज्र जैसे कठोर बन जाते थे, और कभी कभी फूल से भी ज्यादा गुरुदेव कोमल बन जाते थे, हैं फूल से भी कोमल बन जाते गुरुदेव। इसलिए पहला लक्षण है बोले तितिक्षव, यहाँ पर शिक्षा देते हैं ये गुण सबसे पहले साधकों के अंदर में आनी चाहिए, अगर ये चीज नहीं आएगा ना फिर तो हम कहीं भजन साधन नहीं कर सकते। थोड़ी सी अगर इधर उधर हो गया हम तुनक गए, क्रोध आ गया हैं, अगर है जरूरत नहीं भजन भजन गुरुदेव लो माला पाला रखो हम तो अपना घर जा रहे हैं, पास हो गया भजन साधन। इसलिए पहला गुण कंध तितिक्षव, और जो दूसरा गुण है बोले कारुणी, कारुण का मतलब होता है करुणा, बड़ी दयाल होते हैं। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं संत हृदय नवनी तमाना कहा कभी नी पर न जाना, बोले संतों का हृदय कैसे है बोले मक्खन जैसे, लेकिन यहाँ कहते हैं उदाहरण तो मक्खन साथ के दिया है लेकिन वो पूरा के पूरा नहीं है, क्यों कहते मक्खन कब द्रवीभूत होता है बोले जब गर्मी पड़ता है, लेकिन संतों का हृदय तो दूसरों को दुख देखते ही संतों का हृदय द्रवीभूत हो जाता है। इसलिए हमने देखा है हमारे श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के अंदर में जो दयालुता जो कृपालुता महाराज के अंदर में हमने ये चीज बहुत कम हमें कहीं देखने को मिलता है, बहुत कम है, इतने इनका हृदय में दया, इतने इनके हृदय में दया है, कोई भी गुरु जी की शरण में आ जाए, कोई भी गुरु जी की शरण में आ जाते हैं, ले गुरु जी आप हमें अपना चरण में आश्रय दे। गुरुदेव बोलते थे बेटा आ जाओ साधन भजन करो, है आकर के तुम साधन भजन करो। इसलिए कहते इसलिए गुरु जी के अंदर में एक महान गुण है, क्या है कहते हैं जो एक महाभागवत का एक लक्षण होता है बोले सर्वभूतेषु जपसेत भगवत भाव आत्मा, कहते सभी का हृदय में जो भगवान को दर्शन करते हैं और भगवान में सब जीवों को जो दर्शन करते हैं, इसलिए गुरु जी के अंदर में कहते ये महाभागवत का लक्षण था। इसलिए बोले पंडित का लक्षण बोले अयव नीज परवेति गणना लघु चितसा उदार चरित मनात वसुधैव कुटुंबम, कहते अयम नीज परम इति गणना लघु चितसा, ये मेरा ये तेरा तेरा मेरा, कहते जिसका हृदय बहुत छोटा होता है
उसके हृदय में ईश्वर भावना आती है। लेकिन जिसका उदार चरित्र है, बोले वसुधैव कुटुंबकम, वो संपूर्ण वसुधा को अपना ये अपना एक परिवार मानते हैं। इसलिए हमारे श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अंदर में इनके हृदय में ये चीज संपूर्ण हमने बहुत नजदीक में रहते हुए हमने ये चीज को हमने देखा है। गुरु जी के हृदय में कोई भी आ जाए, अक्सर करके जो लड़ाई फड़ाई झगड़ा होता ना, ये तेरा तू मेरा, ये मेरा तेरा शिष्य उसका शिष्य, कभी कभी इसको लेकर के, लेकिन गुरु जी के हृदय में ये सब चीज थी नहीं गुरु जी का हृदय में। इसलिए उनका नाम नारायण नाम, क्या नाम था, भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज। मतलब नारायण का मतलब क्या है, मतलब नर मतलब होता है जितना इंसान, अयन मतलब होता है आश्रय, सब जीवों का जो आश्रय है वो श्री नारायण है। इसलिए हमारी महाराज के अंदर में भी दिखाई पड़ता था, कोई किसी का भी शिष्य आ जाए गुरु जी की शरण में, गुरुदेव हम भजन करना चाहते हैं, गुरुदेव आप रहो, आकर के रहो, रह करके साधन भजन करो, भगवान की भजन करो। जैसे हम उदाहरण देते हैं इनका चरित्र कैसे है, बोले श्रील जीव गोस्वामी जैसे, जैसे श्री जीव गोस्वामी का चरण में जैसे नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास तीनों आए, लेकिन ये कोई भी श्री जीव गोस्वामी का शिष्य नहीं थे, कोई भी नहीं थे। नरोत्तम दास ठाकुर श्री लघुनाथ दास गोस्वामी का शिष्य है, श्यामानंद प्रभु श्री हृदय चैतन्य का शिष्य है, हैं श्रीनिवास आचार्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का शिष्य, ये तीनों अलग अलग का शिष्य थे। लेकिन सब जीव गोस्वामी के पास में आए तो उन्होंने सबको उन्होंने भजन का शिक्षा दिया, सबको उन्होंने साधन भजन का शिक्षा दिया, अपना मान करके अपना शिष्य मान करके उनको सारे शास्त्र सिद्धांत शिक्षा दिया, और उन्होंने ये तीनों व्यक्तियों को उन्होंने तीन दिशाओं में भेजा है, नरोत्तम दास ठाकुर को मणिपुर में, श्यामानंद प्रभु को उन्होंने उड़ीसा में, श्रीनिवास को बंगाल में भेजा, और उन्होंने सर्वत्र महाप्रभु का वाणियों को प्रचार किया। हमारे श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के अंदर में भी ये गुण, श्री जीव गोस्वामी का जैसे गुण दिखता है, इनको पास में भी अलग अलग व्यक्तियों का शिष्य लोग आए हैं। जैसे मैं हूँ श्री भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज का शिष्य है, जैसे माधव प्रिय प्रभु सिद्धांत महाराज वो किसके गोस्वामी महाराज का शिष्य है। इसलिए जैसे हमारे श्री वन महाराज, श्री माधव महाराज, प्रेमानंद प्रभु, ये सबके भक्ति वेदांत श्रील बावन गोस्वामी महाराज का आश्रित है, श्री इसलिए। और कहते इससे श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज का शिष्य कुछ आए, श्रील गौरव गोविंद गोस्वामी महाराज का उनका भी शिष्य, श्री मुनि महाराज, आश्रम महाराज, श्रौती महाराज, परमाद्वैत महाराज, ये सबके सब श्री गौरव गोविंद महाराज का शिष्य थे। वे लघु महाराज के पास में आए, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज का शिष्य लोग हैं, नेमी महाराज, पद्मनाभ महाराज, श्रौती महाराज, ये सब दूसरे, लेकिन वो लोग भी महाराज के पास में आए। लेकिन महाराज अपना जैसे शिष्य जैसे उन्होंने पुत्रवत उनको लालन पालन किया, और उन्होंने गुरुदेव इनको हरिकथा सिखाया, गुरुदेव इनको हरिकथा सिखाया, और हरिकथा सीखे तो जैसे नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास ये तीनों सारा दुनिया में महाप्रभु का वाणी प्रचार किया, उसी तरह अभी भी गुरुदेव का जितने शिक्षा शिष्य हैं, उनकी दीक्षा शिष्य और जितने शिक्षा शिष्य हैं, सबके सब जाकर के सर्वत्र महाप्रभु का वाणी अभी भी ये लोग सर्वत्र प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसलिए इनके अंदर में जो एक महानता है, हैं? एक महान, एक महापुरुष का जो चरित्र है इनके जीवन में, इसलिए कृपालु, ये बड़े दयालु, और ऐसे कृपालु थे जैसे भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज 70 साल में उन्होंने विदेश गए, और विदेश जाकर के सर्वत्र महाप्रभु का वाणी उन्होंने प्रचार किया। हमारे महाराज भी है अभी 70 साल उम्र में हैं, इसी उम्र में उन्होंने कहते पृथ्वी को 36 बार उन्होंने भ्रमण किया हमारे महाराज, संपूर्ण पृथ्वी को उन्होंने, और सर्वत्र जाकर के वृद्धावस्था में भी, अत्यंत वृद्धावस्था में भी
गुरुदेव ने महापुरु का वाणियों को सर्वत्र प्रचार और उनने सर्वत्र उनने प्रसार किया महापुरु का वाणियों को है कितने दयालु। हमने स्वयं देखा डॉक्टर ने बोल दिया महाराज जी पिछले गुरुदेव का हार दोनों तीन तीन बार ऑपरेशन हुआ है गुरु जी का हार है और गुरु जी की फिर तबीयत ठीक नहीं था गुरुदेव की डॉक्टर ने बोल दिया था अब 10 मिनट से ज्यादा कहीं कथा नहीं सुना लेकिन जब गुरुदेव मथुरा में हरी कथा बोलते थे मियां मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना लेकिन गुरुदेव जब कथा सुनाया करते थे जैसे पंचमुख राम नाम गगान त्रिपुरारी जैसे शंकर पंच मुह में जैसे भगवान की कीर्तन करते गुरुदेव जब हरि कथा बोलते थे तो तस्मीन महन मुखरितम मधुविश्चरितम इसलिए महाराज जब कथा बोलते थे बस महाप्रभु गुरु जी के मुंह से कथा की नदी की मंदाकिनी की धारा बहा करती थी हैं नॉन स्टॉप। लेकिन गुरुदेव का जो सेवक लोग होते थे मना करते थे महाराज जी 10 मिनट ही हो गया बेल बजा रहे लेकिन गुरुदेव कथा बोलना छोड़ते बोलते बोलते जा रहे बोले गुरुदेव 15 मिनट ही हो गया लेकिन 20 मिनट हो गया आधा घंटा हो गया लेकिन गुरुदेव कथा ही नहीं बंद कर रहे। तो गुरुदेव के जब ज्यादा बेल बजाए ना तो गुरुदेव कहते हैं ये जीवन किस लिए मिला है हरी कथा बोलने के लिए तो जीवन मिला है मरना है कि नहीं एक दिन तो मरना है ही है अगर हरी कथा बोलते बोलते अगर प्राण जाए इससे बढ़िया कुछ हो सकता जैसे गौर गोविंद महाराज हरी कथा बोलते बोलते ही गोविंद 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 पदु गलु बोलते बोलते उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया है इसलिए महाराज कहते थे ये जो जीवन मिला है हरी कथा बोलने के लिए ही जीवन मिला है अगर हरी कथा बोलते 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 प्रभु की गुण महिमा गाते 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 अगर ये जीवन चला गया तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। इसलिए इतने जीवों को ऊपर में गुरु जी की इतने दयालुता इतना कृपालुता उन्होंने अपना जीवन को उन्होंने कभी देखा नहीं है अपना भलाई नहीं देखा दूसरों को कैसे कल्याण हो गुरुदेव ने दूसरों को कल्याण कैसे होगा देखा। इसलिए एक जगह पर जम्बू में गए थे हम सब गुरु जी को साथ में गए थे जम्बू में प्रचार करने के लिए वहाँ पर और एक स्थान पर जहाँ पर गुरु जी रहते थे वहाँ से करके थोड़ा कुछ दूर दूर तक वहाँ पर भक्तों ने बहुत बड़ा एक प्रोग्राम वहाँ मनाया गुरु जी के लिए गुरुदेव आए लेकिन किसी कारण से गुरुदेव थोड़ी सी ज़्यादा असुस्थ हो गए तो गुरु जी ने हमारे जो तीर्थ महाराज थे बोले तुम लोग चले जाओ और कथा पता कर देना मेरा शरीर तो असुस्थ है। लेकिन जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे वहाँ के भक्त लोग बड़े सुंदर पैंडल बनाया था फूल फूल गुरुदेव के लिए सजाया करता था बहुत कुछ किए थे। इतने में जब हम लोग पहुँचे उन लोगों ने सुना गुरुदेव नहीं आ पाए वो इतने दुखी हो गए बोले गुरु जी के लिए हमने इतने व्यवस्था किया गुरु जी नहीं आए लेकिन गुरु तो अंतर्ज्यामी सब जानते हैं। इतने में बड़े अस्वस्थ रहते हुए भी गुरुदेव का सेवक मना करने पर भी गुरुदेव नहीं सुने बोले नहीं चलो। उन लोगों ने कितने कष्ट करके प्रोग्राम पैसा खर्चा किया है हम लोग के लिए कम से कम 1 मिनट के लिए अगर मैं भी चला जाऊँगा वो खुश हो जाएंगे हैं। फिर गुरुदेव ने बाद में जब गुरुदेव ने कष्ट होते हुए भी उनकी हार्ट की प्रॉब्लम था हैं इसलिए गुरुदेव अपना कष्ट को नहीं देखा गुरुदेव ने उन्हें गुरुदेव जब वहाँ पर आए और भक्त लोग जब देखा आनंद की लहरी छा गई हैं बोले श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। इसलिए बड़े गुरु कहते वैष्णव लोग बड़े कृपालु होते हैं दयालु इसलिए भगवान कहते बोले माँ तितिक्षव कारुणिक जो भक्तों का जो तीसरा गुण है बोले सुहृद सर्वदेहिनाम कहते सुहृद सर्वदेहिनाम कहते सब जीवों का है ये सुहृद होता है अपना जन होते हैं इनके अंदर में अपना कुछ नहीं होता है मेरा कोई चीज इनके अंदर में नहीं रहता है हैं ये सुहृद सर्वदेहिनाम सभी का ये मंगल देने वाले मंगल करने वाले प्रिय ये सबका प्रिय ये होते हैं। सचमुच से गुरु जी के हृदय अंदर में ऐसे एक गुण था कहते ये महाभागवत अंदर में होता था इसलिए जब कोई व्यक्ति गुरु जी के पास में जाते थे हमने देखा
गुरु जी ऐसे उनको साथ में व्यवहार करते थे, छोटे से लेकर बड़े तक सबको ऐसे लगता था गुरु जी मुझे जितने प्यार करते ना, गुरुदेव और किसी को इतना प्यार नहीं करते। गुरु जी ऐसे सबको साथ में व्यवहार, मीठा व्यवहार करते थे, शायद मेरे को ही सबसे ज्यादा गुरुदेव प्यार करते हैं, मेरे से ज्यादा किसको प्यार गुरुदेव करते नहीं। इसलिए बोले सुरहि द सर्वदेही नाम है। उसके बाद में तितिक सब कारुणिको सुरहि दस अजात शत्रव। अजात शत्रव मतलब होता है जिनका शत्रु कभी जन्म ही लिया नहीं, जिनका शत्रु कभी जिंदगी में, मतलब जगत में जिसका कोई भी शत्रु नहीं, सब जगत में उनका मित्र है, सबके सब उनका मित्र मानते थे हैं। इसलिए महाराज के अंदर में, इसलिए हमने देखा महाराज को नजदीक से में देखा, अगर गुरुजी जानते ही ये मेरे शत्रु है, मेरा विरोध करता है हैं, लेकिन जब गुरुदेव के पास में आते थे, लेकिन गुरुदेव सबको साथ में इतना मीठा व्यवहार करते थे, इतना मीठा व्यवहार करते थे, इसलिए सबके सब शत्रुता भूल जाते थे हैं। गुरुदेव तो किसके विद्रोह नहीं करते थे, लेकिन उनकी क्या गुरुदेव ऐसे, इसलिए सुरहि द सर्वदेही नाम, सभी का सुरहि द अजात शत्रव, जिनका जगत में कोई भी शत्रु नहीं होता था, जगत में सभी इनकी मित्र है। इसलिए गुरुदेव का, इसलिए सारा दुनिया में हम देखते हैं, सारा दुनिया ब्रह्मांड ही उनका मित्र था, केवल भारत नहीं हैं, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की समस्त जीव गुरु जी की मित्र थे। अजात शत्रव शांत कहते, उनका जो गुण होता है बड़ा शांत शिष्ट स्वभाव, कहते भक्त का स्वभाव कैसे बड़ा शांत होता है हैं। इसलिए हम देखते थे गुरु जी का स्वभाव को देखते थे, गुरुदेव हर समय गंभीर रूप में रहते थे, एकदम शांत धीर स्थिर हैं, हर समय समुद्र जैसे शांत रहता है, ऐसे ही गुरु जी के अंदर में एकदम शांत स्वभाव, धीर स्थिर शांत स्वभाव गुरु जी के अंदर में होता था। इसलिए यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं मेरे भक्तों के अंदर में इस गुण है, सब ना कहना जाए कर दीख दर्शन। और श्री रूप गोस्वामी कहते भावांकुर, भाव का जो अंकुर होने पर कहते भक्तों के अंदर में नौ गुण दिखाई पड़ता है। इसलिए हम देखते हैं हमारे महाराज जी के अंदर में भी ये सब के सब गुण दिखाई पड़ता है। बोले क्या क्या है, बोले शांतिर अभ्यर्थ कालत्वम, विरक्ति मान सुन्नता, आशा बंध समुत्कंठा, नाम गानी सदा रुचि, आसक्ति तत् गुणाख्यानी, प्रीति तद बसस्ति स्थली, कहते उनका न गुण दिखाई पड़ता है। इसलिए हम देखते हैं हमारे श्री भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अंदर में ये सारे को सारे गुण दिखाई पड़ता है। क्या है, बोले शांति, शांति मतलब खोब का विषय होने पर भी है, हृदय कभी कभी ऐसी घटना आती है जो हृदय बड़े खोबित हो जाता है, लेकिन खोब का विषय आने पर भी जिनका हृदय में कभी खोब दिखाई नहीं पड़ता, कभी नहीं दिखाई पड़ता। हमने देखा बड़ी बड़ी विपत्ति, नवद्वीप परिक्रमा हो रहा था नवद्वीप, उस समय पहला बार गुरुदेव है अलग होकर के परिक्रमा कर रहे थे, संपूर्ण विश्व के लोग आए, सारे विश्व के लोग आए हुए, वहां पर इतना बड़ा टेंट लगाया गया था, विशाल टेंट लगाया गया था वहां पर, लेकिन कल परिक्रमा शुरू होगी एक दिन पहले ऐसे आंधी तूफान आई, काल बैसाखी वहां आता है बंगाल में, पेड़ को उखाड़ कर दिया है, पेड़ को तोड़ मोड़ कर दिया, और वो पहला बार था उस समय में मकान नहीं बना हुआ था जो नवद्वीप परिक्रमा, वहां पर कल टेंट बनाया, टेंट बना करके उसको नीचे ऐसे आई हे भगवान, सारे टेंट फेंट उखाड़ करके ले गया हाँ, और कुछ टेंट अलग अलग से बनाया था, यहाँ रुसे बनेगा, यहाँ भक्त रहेंगे, और वो टेंट को एकदम मैं दसनच कर दिया, जिसको नीचे लोग एकदम रह गए, ऊपर पैंडल गिर पड़ा है। फिर उसी समय में सबके से ला करके है पोटी ला कर काट फाड़ कर सब लोग निकाले, लेकिन उसी समय देखा इतनी बारिश उसी रात में हुई भगवान, सारा रात्रि बारिश हुई, सारा रात्रि हमने देखा बारिश हुई, क्या बारिश हुई,
लेकिन इतना जितना लोग आए थे गुरु जी को आश्रय करते हुए आए थे, गुरु जी परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन इतने स्थिति हमने देखा, क्या स्थिति लोगों को लेकर के वहाँ पर अलग अलग स्कूल में उनको रख दिया गया है। हम तो ये सोच रहा था शायद परिक्रमा और नहीं हो पाएगा, हजार हजार लोग वहाँ आए हुए थे नवद्वीप परिक्रमा में, हजार हजार लोग स्कूल में रहते, लेकिन हमने आश्चर्य हुआ। लेकिन रात भर तो बारिश हुई, लेकिन सवेर बारिश छूट गई है, रसोई बना कर खिचड़ी बनवाया है, रात को कोई प्रसाद नहीं पाए हुए थे, खिचड़ी बनवाया सब सबको खिलाया, फिर परिक्रमा निकली। बाबारी इतना फिर विशाल परिक्रमा है, विशाल परिक्रमा निकली, फिर वैसे को वैसे बड़े सुंदर नाटक कीर्तन बड़े एकदम धूमधाम से हुआ है। लेकिन उस समय में हमने देखा है इतने परिस्थिति अवस्था में भी है शांति, शांति मतलब खोब का है विषय होने पर भी दुखी का, लेकिन जिसमें शांत होकर के हर स्थितियों को संभलाते हुए हर स्थितियों को लेकर के सबको चलना, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। इसलिए गुरु जी का हृदय जितने बड़े हमने देखा दुख आने पर भी, क्योंकि पहले गुरु जी पहले पुलिस में ऑफिसर थे, अब पुलिस ऑफिसर तो ऐसे होते हैं हर स्थिति में, क्योंकि हर स्थितियों को उसको संभालना पड़ता है ना, लड़ाई झगड़ा मामला मकदमा। इसलिए गुरु जी के अंदर में हमने चीज को देखा है, ये कहते हैं तिथिक्स ख्यांतीर मतलब अव्यर्थ कालत्वम। दूसरा लक्षण है महाराज के अंदर में जो भावांकुर अवस्था अव्यर्थ कालत्वम, कभी ये समय को कभी बर्बाद नहीं करते, समय को कभी बर्बाद नहीं करते, ये गुरु जी के अंदर में प्रत्यक्ष रूप में इसको हम लोगों ने देखा है। हर समय गुरुदेव जैसे गोस्वामी लोगों का जीवन कहते हैं ना, संख्या पूर्वक नाम गान नथी भी काला अवसान कृतौ निद्रा आहार विहार काद विजितौ चात्यंत दीन चजौ राधा कृष्ण गुण स्मृति न मधुरिमान सन्महितो वंदे रूप सनातनम रघुजुगौ श्री जीव गोपाल कौ। जैसे हमारे छह गोस्वामी जैसे भजन करते थे, गुरु जी के अंदर में सब चीज दिखाई पड़ता है। गुरुदेव का नियम कैसे है, गुरुदेव जब तक 100,000 हरिनाम नहीं पूरी करते, हमने स्वयं गुरु जी के पास में रहे, गुरु जी के पास में कभी कभी माधव महाराज और कहीं जाने पर गुरु जी के पास में सोए, गुरु जी का हमने कभी सेवा किया, गुरु जी का हम देखते थे, गुरु जी भले ही जितने बजे सोए, जैसे जन्माष्टमी रात ठाकुर जी का अभिषेक 12 बजे होता है, पर ठाकुर का आरती और प्रसाद 1 बजे, सोते सोते 2-2.5 बज जाता है, हैं ऐसे 2 बज जाता है। लेकिन हमने देखा गुरुदेव जितने बजे क्यों नहीं विश्राम करे, ठीक 3:30 बजे गुरुदेव उठ जाए, उठ करके माला लेकर के बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरुदेव अपना नाश्ता करने से पहले 100,000 हरिनाम पूरी करके 9:00 बजे से पहले गुरुदेव 100,000 हरिनाम पूरी कर लेते थे, हैं पूरी करके फिर भोजन करते थे, फिर उसके बाद में और 100,000 दिन में गुरुदेव 2,00,000 हरिनाम करते थे। लेकिन साधारण व्यक्ति अगर हम लोग दिन में 16 माला हर करना सवेरे शुरू करते हैं, रात का सोने तक 16 माला हमारा पूरी नहीं होता, लेकिन गुरु जी दिन में 2,00,000 हरिनाम करते थे। जैसे गोस्वामी लोग 2,00,000 हरिनाम करना, और मैं गुरु जी को कभी कभी जब तेल लगाता था, मैं गुरु जी को शरीर जब गुरुदेव शरीर में तेल लगाता था स्नान करने से पहले, हमने देखा जब मैं तेल लगाया करता था गुरुदेव समस्त स्तुति सब करते थे गुरुदेव, हैं मैं तेल लगाता था गुरुदेव पूरा 1/2 घंटा तक गुरु जी को तेल लगाता था, और गुरुदेव स्तुति स्तव हैं सारी सनातन गोस्वामी का जो बृहद भागवत अमृत में उनका जो श्लोक है जयति नाभतिर्नौ है, ये जो स्तोत्र महाप्रभु का श्री जयति जयति नामानंद मेतद मुरारी जयति जयति वृंदारण्य मित, सब गुरु जी बड़े सुंदर सुंदर सनातन गोस्वामी ने बृहत भागवत अमृत में जो वृंदावन धाम को जमुना देवी को मथुरा देवी को नाम को भक्ति को उन्हें जो प्रणाम मंत्र है गुरुदेव सब के सब गुरुदेव ये मंत्र बोलते थे, और
विलाप कुसुमांजलि से कुछ कुछ विशेष विशेष श्लोक है, राधा कृष्ण जुगल अष्टक श्लोक को विशेष विशेष श्लोक को गुरुदेव बोलते थे और मैं तेल लगाते था और गुरुदेव ये सारे श्लोक को बोलते रहते थे। और दो दो दलाधारी नाम करते हुए भी उसको अंतर में गुरुदेव हमारे जो हिंदी भाषा में जो ग्रंथ हैं, इसलिए गुरुदेव सारे ग्रंथ को ट्रांसलेशन करते थे। फिर दिन में हरिकथा बोलते थे गुरुदेव, मतलब जो गोस्वामियों का जैसे जीवन है ऐसे गुरु जी के जीवन में पूरा गोस्वामी लोगों का चरित्र ही गुरुदेव का जीवन में उतरता है। एक दिन गुरुदेव खुद बोलते थे, बोले गोस्वामी लोगों ने जैसे भजन किया है मैं भी गुरुदेव कभी गोवर्धन में जहाँ हमारे गिरधारी गौड़िया मठ है, गुरुदेव बोलते थे वहाँ पर दो मंजिले घर था, गुरुदेव वहीं पर रह करके पूरा रोज गिरिराज परिक्रमा है और ब्राह्मणों के घर में माधुकरी, नहीं तो एक स्टोव था, बोलते कभी थोड़ा मैं खिचड़ी बना कर खा लेता था, दिन में 2 लाख हरिनाम, गोस्वामी ग्रंथ का अध्ययन वहीं पर बैठी करके एकदम गोस्वामी जैसे भजन करते थे। हमने भी ऐसे कठोर भजन किया है, कठोर भजन किया, इसलिए इनके अंदर में अव्यर्थ कालत्व मतलब काल समय को कभी भी ये बर्बाद नहीं करते थे। इसलिए कहते शांति अव्यर्थ कालत्व, तीसरा जो गुण विरक्ति है, इसलिए इनके जीवन जो विरक्ति है, कहते विरक्ति इनका जीवन में देखो, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु 26 साल उम्र में संन्यास ग्रहण किया, हमारे महाराज भी 26 साल उम्र में, महाप्रभु पहले बचपन में शादी हो जाती, उनको 2 बेटियां थी हैं, जैसे महाप्रभु अपना वृद्ध माता को और जवानी पत्नी को छोड़ करके महाप्रभु जैसे संन्यास ग्रहण किया था, श्री महाराज के अंदर में भी हम देखते हैं वो भी ठीक ऐसे ही महाप्रभु का जीवन जैसे, इनका जीवन जैसे पूरा उन्होंने जवानी उम्र में हाँ छोड़ करके महाराज जी उन्होंने संन्यास ग्रहण किया है, पूरा उन्होंने सब छोड़ छाड़ करके मंदिर में आए। हम आप लोग भारतीय लोग आपको बता होगा, छोटे छोटे बच्चे अब जिस समय हो हाँ उसी उम्र में उनको छोड़ करके, उनको जो पत्नी थी ना, कभी हम मथुरा में रहते हुए उनको पत्नी कभी आई थी, एकदम गौर वर्ण की, एकदम जैसे कच्चा हल्दी होता है ना ऐसे उनका रंग, इतने सुंदरी उनकी पत्नी थी हैं, हमने मथुरा में रहते हुए एकदम वृद्धा हो गई थी, कैसे उनकी पक गई थी, इसलिए एक बार मथुरा आई थी, हमने देखा कैसे उसी एकदम जवानी उम्र में महाप्रभु जैसे इन्होंने सबको जो छोड़ करके कैसे महाप्रभु जैसे उन्होंने आए मंदिर में आए और कैसे उन्होंने जीवन को बिताया। इसलिए कहते जो विरक्ति है अद्भुत इनके अंदर में विरक्ति, इसलिए विरक्ति मान शून्यता मतलब क्या होता है, महाराज के अंदर में कभी भी मान की कई हमें इज्जत करे हैं, इज्जत करे नहीं, इनके अंदर में ये चीज थी नहीं, क्योंकि जैसे प्रतिष्ठार भय पूरी जाए पलाइया, प्रतिष्ठा स्वभाव ऐ जगत विदित जे नाबा चे तार है विधा धरे विधा है। जैसे श्री माधवेंद्र पुरी जो खीर चुरा गोपीनाथ ने इनके लिए खीर चोरी किया, माधवेंद्र पुरी देखा अगर सवेरे होते ही लोगों को अगर पता चलेगा ठाकुर जी मेरे लिए खीर चोरी किया फिर तो सारा दुनिया मेरे पीछे पड़ जाएंगे, पूरी पूरा छोड़ दिए भाग गए, रातारात भाग गए, कहाँ उनने जगन्नाथ पुरी भाग आए, लेकिन यहाँ पहुंचने से पहले ना जगन्नाथ जी राजा को स्वप्न कर दिया, कहते एक ब्रज से मेरे एक भक्त आ रहे हैं माधवेंद्रपुरी, ठाकुर जी के लिए मल है जो चंदन लेने के लिए उनके लिए चंदन की व्यवस्था कर देना। राजा बोले भैया ऐसे कौन सा भक्त आ रहे हैं, जगन्नाथ जी हमें स्वप्न दे रहे हैं, जगन्नाथ जी स्वप्न दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पहुंचे, जब पहुंचे ना देखा उनको आरती लेकर उनका आरती करने के लिए तैयारी है राजा है। इसलिए कहते हमारे महाराज जी के अंदर में भी जैसे हैं कहते भक्त हैं, इसलिए जैसे इनके अंदर में प्रतिष्ठा की कोई लोभ नहीं, प्रतिष्ठा की कोई लोभ नहीं, लेकिन प्रतिष्ठा की लोभ नहीं रहने पर भी लेकिन संपूर्ण विश्व हैं हृदय में जब भगवत भक्ति आ जाती है हैं, जैसे कहते भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र, हृदय में जब भगवत भक्ति उदित हो जाती है अपनी आप है, कहते साधन का 2 लक्षण है क्लेशग्नि सुभगा।
प्लस अग्नि शुभ दा, दो लक्षण है साधन का। इसलिए कहते इनकी जीवन में भी क्लेश अग्नि मतलब क्या होता है, जितने तरह का क्लेश है सब दुख दूर हो जाता है। सुभदा मतलब क्या, सारा दुनिया में उनकी जय जयकार हो जाता है, सारा दुनिया में इनकी जय जयकार हो जाता है। इसलिए गुरुदेव ऐसे उन्होंने साधन भजन ब्रज में रहते हुए सात कठोर साधन भजन किया, होने का नाते एक दिन क्या हुआ, विश्व ब्रह्मांड इनके चरण में विश्व ब्रह्मांड झुक गए। विश्व ब्रह्मांड इनकी शिष्य बन करके सारा दुनिया में ऐसे कोई राष्ट्र नहीं जहाँ पर इनकी पूजा नहीं होता है, जिनके इनके जहाँ पर भक्त नहीं, जहाँ पर इनके आदर सत्कार जहाँ पर इनकी है नहीं, सर्वत्र इनकी जय जयकार है। लेकिन हमने देखा गुरुदेव जब मथुरा में गुरुदेव वृंदावन में रहते थे, हर समय हम देखते थे गुरु जी को घर के सामने सब भक्त लोग सब बैठे हुए रहते थे, गुरु जी का कब दर्शन मिलेगा, गुरु जी का कब दर्शन मिलेगा, गुरु जी का एक झांकी कब दर्शन मिलेगा। लेकिन गुरुदेव का दरवाजा बंद रहता, और जब गुरुदेव दरवाजा खोलते थे, जब कथा बोलने के लिए जाने के लिए केवल भारत लोग नहीं सारे पृथ्वी का लोग लाइन लगा कर खड़े रहते थे। हैं जैसे कृष्ण को दर्शन करने के लिए हैं, जैसे हस्तिनापुर में सवेरे खोलो तो पंच पांडवों का घर के सामने ऋषि मुनियों का लाइन लगी रहती थी, उसी तरह गुरुदेव का घर के सामने में भी सब विदेशी लोगों का देशी विदेशी लोग सब लाइन रहते थे, कब गुरु जी के एक झलक दर्शन मिल जाए। इसलिए सारे प्रतिष्ठा गुरुदेव को मिलने पर भी, लेकिन गुरुदेव निर्लिप्त है। कारण है ये भक्ति की ये महिमा है, जिसके हृदय में भगवत भक्ति प्रकट हो जाएगी, ये भक्ति उसको सारा दुनिया में उसकी बड़ा बना देते हैं। इसलिए शांति अव्यर्थ काल तम विरक्ति मान सुन्नता, उसके बाद में आशा बंधा समुद कंठा नाम गाने सदा रुचि। इसलिए आशा बंध मतलब क्या है, इनके हृदय में भगवान एक दिन हमें मिलेंगे, हैं भगवान एक दिन हमें जरूर मिलेंगे, इसका जो आशा है निसुनिश्चित हो जाता है, एक दिन हमें भगवान मिलेंगे। क्योंकि भाव का जो अंकुर उसको बताए कली का है, जैसे कि फूल फूटने से पहले जब वो कली आती है ना, फूल का कली जिसको देखने से पता चल जाता है क्या है, ये फूल देने वाले वा उसमें फल होने वाले हैं, उसको ऐसे कुछ कुछ लक्षण मिल जाती है। इसलिए जिनके हृदय में आशा बंध मतलब भगवान एक दिन मिलेंगे, प्लस समुत्कंठा मतलब है हर समय उनके हृदय में उत्कंठा बनी रहती है, कब भगवान मिलेंगे, उत्कंठा हर समय उनके हृदय में उत्कंठा बनी रहती है। ऐसे कभी कुछ नहीं जिसके हृदय में कोई उत्कंठा नहीं हो, हैं? उत्कंठा इनके हृदय में उत्कंठा बनी रहती है। इसलिए महाराज में हमने देखा गुरु जी के अंदर में क्या उत्कंठा, कभी कभी हम लोग उस समय कम उम्र में कभी कभी गुरुदेव का उत्साह देख करके हैं, नाम गान सदा रुचि, गुरुदेव को उत्कंठा देख करके हम दंग रह जाते थे। भले हम कम उम्र के, जैसे राधाष्टमी आएगा, इसे राधाष्टमी आएगी ना, हे गुरुदेव का क्या उत्कंठा है, इसको पहले जन्माष्टमी गई, जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले हमारे मथुरा में भक्त लोग विख्या तेल घी चीनी, और वहाँ पर एकदम पूरा सवेरे 10 बजे शुरू होता है, रात 10 बजे तक भंडारा, सवेरे 10 से रात 10 एकदम खुला भंडारा है, हे लोग आ रहे हैं प्रसाद पा रहे हैं। इसलिए और कृष्ण जन्माष्टमी में 4-5 दिन पहले क्या होता था, सब भक्त लोग सब प्रिपरेशन होकर आते थे, जैसे यहाँ पर हरी कथा बोलते हैं ना, वहाँ पर सब कृष्ण तत्व के ऊपर सब अलग अलग सब कृष्ण तत्व के ऊपर विवेचना होता था। कभी कभी बड़े बड़े विद्वान को गुरुदेव बुलाते थे मथुरा में, बुला करके एक एक विषय रखते थे, अद्भुत गुरुदेव विषय रखते थे, जन्मादस्य नहीं धर्म प्रजित कैतपत्र निगम कल्पत्र विशेष श्लोक रखते थे, एक श्लोक को लेकर विवेचना होता था विद्वान का, है वहाँ पर गुरुदेव का क्या उत्कंठा, और कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले विशाल नगर संकीर्तन निकलता था, सबसे बड़ा कृष्ण का जन्मस्थान वहां पर, लेकिन उनमें कोई भक्त नहीं होते थे, हमारे जितना सुंदर अलग अलग सुंदर सुंदर झांकी माताओं की झांकी, हमारे ब्रह्मचारियों का पुरुष लोगों का झांकी करताल कीर्तन धूमधाम, पूरा मथुरा पर तो उलट पालट करते थे, पूरा मथुरा में ऐसे वहाँ कीर्तन होता था, पूरा धूमधाम से वहाँ कीर्तन होता था मथुरा में। इसलिए गुरुदेव फिर गुरुदेव कहते थे 15 दिन बाद राधाष्टमी, गुरुदेव देखो
कृष्ण का जन्मोत्सव हमने जैसे बनाया गुरुदेव कहते थे राधा अष्टमी कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा अच्छी होनी चाहिए हैं। और सचमुच से राधा जन्माष्टमी में भी ऐसे ब्रह्मचारी लोग तैयार होते थे, संन्यास लोग तैयार होते थे राधा तत्व को ब्रह्म बोलने के लिए। और ये सचमुच से चार पांच जाकर चाव चाव होता है, जैसे राधा रानी जन्म हुई उनको जन्म उत्सव में उनको बधाई देने के लिए है, उनको बधाई देने के लिए अलग अलग लोग अलग उसमें तरह तरह का मिठाई खिलौना तरह तरह का चीजों को लेकर आते थे। और गुरुदेव छत ऊपर से गुरुदेव फूल लेकर गुरुदेव बौछार करते थे राधा रानी की जन्म उत्सव में। जैसे जैसे कृतिका सुंदरी मैया जसोदा जैसे बधाई उत्सव करते थे, ऐसे ही गुरुदेव और राधा तत्व के ऊपर में विवेचना होता था। इसलिए गुरुदेव का सम्मुख कंठा हर समय भक्ति में हम तो कभी कभी दंग हो जाते थे, अरे हम बच्चे होकर के हमारे अंदर इतना उत्कंठा, गुरुदेव का इतना उम्र हो गया इतने उत्कंठा गुरु जी के अंदर हम देखते कर दंग हो जाते थे। नाम गान सदा रुचि, हर समय गुरु जी की हरी कथा जो बोलते थे, कभी गुरुवर्ग का कोई तिथि आ गया तो गुरुदेव स्वयं चार चार बार कथा गुरते थे। मैं देख करके बोले बाबा रे यहाँ तो कथा की नदी की मता की नहीं बहती यहाँ पर है, ऐसी कथा हुआ होती थी गुरुदेव गुरुदेव रहते समय। इसलिए हमने साक्षात वहां रह कर के मथुरा में देखा कि सवेरे एक बार कथा, दोपहर में एक बार, शाम को रात को फिर आरती के बाद में चार चार बार गुरुदेव बैठते थे और गुरुदेव हरी कथा बोलते थे और ब्रह्मचार्य को बुलाते थे। नाम गान सदा रुचि आसक्ति तत्व गुणा ज्ञाने, और उनकी कथा सुनाने में गुरुदेव का जो आसक्ति गुरुदेव का जो उत्कंठा रहती थी कथा सुनाने के लिए, बाबरे जैसे सहस्र मुंह में जैसे गुरुदेव चाहते थे कथा सुनाओ तो सुनाते जाओ सुनाते जाओ सुनाते जाओ। इसलिए श्री कृष्ण कथा कथने सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुण से युक्तम, इसलिए कथा सुनाने बड़े सुदक्ष गुरुदेव थे हाँ, बड़े सुदक्ष थे गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव का अनंत गुण है, आज कुछ सुने फिर हम लोग कोशिश करेंगे कल कुछ सुनने के लिए गुरुदेव की और कुछ कथा, गुरुदेव की कथा सुनेंगे और उसको रिकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही थी कि नहीं? ठीक है। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल वाचकल उत्तरभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच भक्तानां पावने भो वैष्णव भो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राधा हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरे।